खान, ये जापानीज एनसेफेलाइटिस जो है काफी अब लोगों के अंदर ये आ रहा है, बहुत लोग घबरा रहे हैं कि वैक्सीनेशन को लेकर घबरा रहे हैं। और पहले थोड़ा बैकग्राउंड बताइए कि जापानीज एनसेफेलाइटिस ये एक्चुअली है क्या और उसको बचाने के लिए सरकार क्या कर रही है। जापानीज एनकेफेलाइटिस या एनसेफेलाइटिस जो भी कहते हैं, ये एक दिमाग के बुखार है जी। इसमें बच्चों को खास तौर पे किड्स जो 0 to 15-16 ईयर्स के एडल्ट किड्स रहते हैं, इन लोगों को ये मुतासिर होता है। और ये फैलती है मच्छर के ज़रिए, यानी मॉस्किटो बाइट, फ्रॉम पर्सन टू पर्सन थ्रू मॉस्किटो। ठीक है, अब ये जो डिसीज़ है, ये वायरल इनकेफेलाइटिस, ये अपनी जापानीज इनकेफेलाइटिस, ये एक्चुअली हमारे पास जितने भी हमारे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे ये नई वैक्सीन नहीं है, ये वैक्सीन कई सालों से हमारे पास चलती आ रही है, बाकायदा हमारे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में भी है ये। अच्छा। ये जैसे ख़ास एरियाज़ हैं एंडेमिक, यानी साल के 12 महीने वहाँ पे पाई जाती है, जैसे बेल्लारी है, कोप्पल है, चिकमगलूर है, मांडिया है, ये यहाँ पे ये काफ़ी हद तक पाई जाती है और वहाँ के इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में भी ये मौजूद है। जापानीज एनकेफेलाइटिस का वैक्सीन वहाँ पे 9 महीने में और 15 महीने के बच्चों को लेते हैं। तो ऑफ लेट अब हमारे पास यहाँ के डिस्ट्रिक्ट्स वेयर फ्री फ्रॉम जापानीज एनकेफेलाइटिस। अब ये साल काफ़ी केसेस कर्नाटक में ज़्यादा, और ख़ास तौर पर हमारे डिस्ट्रिक्ट में गुलबर्गा और यादगिर डिस्ट्रिक्ट में, जिसके चलते इमीडिएटली यहाँ की हेल्थ अथॉरिटीज़ एक्शन लिए हैं और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की तरफ से, और यूनियन गवर्नमेंट भी काफ़ी इसमें मदद कर रही है वैक्सीन के लिए। ये अपने पूरे कर्नाटका में अराउंड 48 लाख स्टूडेंट्स को हम टारगेट किए हैं, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन इंक्लूडिंग। ये वैक्सीन 1 साल से 15 साल के बीच में हम तमाम बच्चों को दे रहे हैं। अब फर्स्ट प्रेफरेंस अब हमारे को स्कूल्स का है, स्कूल गोइंग किड्स को हम ये किए हैं, और ये इम्यूनाइजेशन के ज़रिए ही ये बीमारी को हम काबू पा सकते हैं। रहा ये वैक्सीन के ताल्लुक से, ये वैक्सीन अब से नहीं, कई सालों से आ रहे हैं, और ये वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, ये ऑलरेडी प्रूवन, यूज, टेस्टेड, ट्राइड, एवरीथिंग इट इज़ देयर, इट्स नॉट ए न्यू वैक्सीन। और ये वैक्सीन कई ज़माने से हमारे पास शेड्यूल में भी है, और चूंकि यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट सेफ थे इस बीमारी से, ऑफ लेट यहाँ पे केसेस रिपोर्ट होने की वजह से यहाँ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका इमीडिएटली हरकत में आते हुए तमाम बच्चों को इससे इम्यूनाइज करना है। इसके सिम्टम्स भी कोई ख़ास सिम्टम्स, जैसे बच्चों को जैसे ही बुखार आ जाती है, वॉमिटिंग होती है, हेडेक होती है, ये इस तरीके से बीमारी आती है मॉस्किटो बाइट के बाद। उसका एक सर्टन इनक्यूबेशन पीरियड होता है, उसके बाद बच्चों को बुखार चढ़ती है, सर में दर्द होता है, वॉमिटिंग्स होते हैं। इसके बाद 2 या 3 दिन के वक्फे पे कभी बच्चे कन्वल्जन्स फेंकना शुरू, यानी झटका जो बोलते हैं, इस किस्म के आके दिमाग पे बुखार चढ़ जाती है और बच्चे अनकॉन्शियस टाइप में होते हैं, इसको एनकेफेलाइटिस बोलते हैं। इसके सीरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं उसके, और सबसे अच्छा उसका टेस्ट जो होता है दिमाग के बुखार का, उसका CSF पानी निकाल के टेस्टिंग करते हैं। बट वहाँ तक अगर बच्चा चले गया दिमाग के बुखार तक, यानी कन्वर्जेंस हो गए या न्यूरोलॉजिकल कुछ चीज़ें जाहिर हो गई, वहाँ से कमिंग बैक टू नॉर्मल लाइफ इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट एंड एक्सट्रीमली रेयर। देर आर लॉट ऑफ कैजुअलिटीज एट दैट स्टेज, एंड जो भी बचता है नॉर्मल घर को नहीं आता, दे हैव सम न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, या मूवमेंट डेफिसिट रहता है, सेंसरी डेफिसिट रहता है, किसी ना किसी किस्म का डिस्ट्रिक्ट हियरिंग चले जाती है, या अपने क्या कहते हैं आपके मेमोरीज वगैरह हैं। बट आफ्टर द इन्फेक्शन, ब्रेन का इन्फेक्शन होने के बाद, एनसेफेलाइटिस होने के बाद रिटर्न आना, नॉर्मल बेबी होना बड़ा मुश्किल जी। इसी के मद्देनज़र ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एनसेफेलाइटिस है, ये जापानीज एनसेफेलाइटिस यहाँ पे। तो इसी के मद्देनज़र हमको इसकी गहराई जानते हुए कि भाई अब हमारे बच्चों को टोटल प्रोटेक्शन एक ही जरिया है, वो है वैक्सीन के थ्रू, और वैक्सीन भी बहुत सेफ, बहुत टेस्टेड, ट्राइड, यानी ज़माने से हमारे पास शेड्यूल में है ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी यही गुजारिश है तमाम बच्चों से, तमाम वालिदैन से, कि जो भी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, मेरे को कंटिन्यूस क्वारीज आ रहे हैं, रोज़ 100-200 लोग तो आके पूछते हैं या टेलीफोन करते हैं या मैसेज करते हैं कि डॉक्टर साहब ये वैक्सीन के ताल्लुक से ऐसा हमको आया है मैसेज स्कूल से, हम ले या ना लें, बड़ी कशमाकश में हैं पेरेंट्स। तो एक जिम्मेदार होने के नाते मैं सबको सलाह देता हूँ कि ये वैक्सीनेशन अपने बच्चों को कराएँ,
ज़रूर कराएं, और जितने भी स्कूल गोइंग बच्चे हैं उन लोगों को ख़ास तौर पे ले लें, क्योंकि जब कैंपेन चलता है तो लेने में करने में सब आसानी होती है। और हर स्कूल पे, हर मदरसे पे हमारे अथॉरिटीज़, हमारे जैसे पीडियाट्रिशंस हैं या हमारे हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं, सब उनकी निगरानी में चलते हैं ये वैक्सीनेशन। तो लिहाजा सबसे गुजारिश है कि वैक्सीनेशन बिल्कुल परफेक्टली सेफ है और हम हर बच्चे को इसके लेना है। इसके ये लेने लेके अब हम हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को या हमारी हम स्टेट गवर्नमेंट को और यहाँ के जितने भी ऑफिशियल्स हैं, यानी हम मुस्तहकम कर सकते हैं हमारी हेल्थ सर्विसेज को, बोले ऐसा। तो आप लोग लेना है, इसकी आप लोगों से गुजारिश है, और ज़िम्मेदारी के साथ ये अपने अंजाम दे दीजिए आप लोग को, बोले ऐसा।